यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर में इन दिनों देश का भविष्य सड़कों पर भीख मांग रहा है। ढालपुर में इन दिनों पीपल मेले के लिए दुकान सजी हुई है और जहां पर बाहरी राज्य से आए छोटे छोटे बच्चे दिन भर या तो लोगों से भीख मांगते हैं या फिर सामान बेच रहे हैं और इन नौनिहालों को शिक्षा की ओर से ले जाने के लिए कोई कदम ना तो प्रशासन उठा रहा है और ना ही नेता। तो आपको बता दें कि कुछ दिन पहले बाल विकास विभाग ने मनाली से भी कुछ बच्चों को रेस्क्यू किया था और उनके परिजनों को चेतावनी भी दी थी, लेकिन कुछ दिनों बाद बाजारों में ये नज़ारा दोबारा आम हो गया है। वहीं जिला कार्यक्रम अधिकारी वीरेंद्र आर्य ने कहा कि विभाग की टीम ढालपुर मैदान का निरीक्षण करेगी और बच्चों को रेस्क्यू किया जाएगा और कहा कि अगर कोई परिजन अपने बच्चों से भीख मंगवाता है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। हमने मनाली में भी, कुल्लू में भी और भुंतर में भी जो भिक्षावृत्ति में लगे हुए हैं बच्चे या गुब्बारे आदि या कोई दूसरी प्रकार की चीज़ें बेचने में लगे हैं उनको हमने रेस्क्यू किया और उन बच्चों के अभिभावकों को सौंपा गया और उनको यह चेतावनी भी दी गई कि भविष्य में बच्चों को आप गुब्बारे और इस प्रकार की किसी भी चीज़ को बिक्री के लिए या एक बाल मजदूरी के हिसाब से उनको ना भेजें, क्योंकि जो भी है हमारे हिमाचली कोई भी नहीं है इसमें। मोस्टली जो है 100% जो है वो जो बच्चे ऐसे गतिविधियों में हमने पकड़े वो सभी प्रवासी हैं, तो हमने उनको चेतावनी देके माता पिता को हैंडओवर किया है और जो भी हमारे टीम जो है इन चीज़ों को देख रही है, अगर ऐसा हमारे संज्ञान में आता है तो हम उनके विरुद्ध जो है कानूनी कार्रवाई अमल में।